सभी भाइयों को राम राम भाई, स्वागत है आपके अपने पेज हरियाणा यूपी शूटिंग वॉलीबॉल पर। बहुत ही बढ़िया मैच चलेगा भाई, करनाल वर्सेस जींद। कैमरे के सामने करनाल की टीम है भाई, जिसमें मोनू खेड़ी मान सिंह, राजेश खेड़ी मान सिंह, अमन खूकनी, काला धूमसी, रोहित डबकोली, जमीन गोरगढ़। दूसरा फाइनल मुकाबला जींद करनाल के मध्य है खूकनी भाई, और नेट के परली तरफ जो टीम है वो है जिंदगी, जिसमें गोविंद खेल रहा है, सरना खेड़ी वाला। सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है, जो भी लाइव देख रहे हैं साथ के साथ शेयर जरूर करते हैं भाई, बहुत बढ़िया मैच चलेगा भाई। यमुनानगर का गेम होना है भाई, रोहतक के साथ है भाई। यूपी से नहीं आई है भाई कोई टीम। बाल है भाई राजेश, बहुत बढ़िया बाल है भाई, बराबर एक भाई। राम राम भाई प्रीतम सिंह। दो एक भाई, ये क्वार्टर दूसरा क्वार्टर है भाई, पहले क्वार्टर में नूह की टीम विन रही है भाई। नहीं नू नहीं, गुरुग्राम की टीम विन रही है भाई। अंकित कौन है भाई, मैच नू का मैच होना है सोनीपत के साथ। बढ़िया बॉल है भाई,
रोहतक का मैच यमुनानगर के साथ होना है भाई पवन। बढ़िया भाई राजेश। अंकित और का मैच होना है भाई सोनीपत के साथ। यमुनानगर का मैच होना है भाई रोहतक के साथ। सेमीफाइनल और फाइनल मैच होंगे 20 तारीख को भाई संडे को। स्कोर क्या हो गया मामा जी? अंकित का मैं सोनीपत के साथ होना है भाई। इससे अगला मैच होएगा अंकित का। सोनीपत में काजल है ग्रुंडे वाला। भाई ऑफिशियल का फैसला अंतिम होता है, वो जो तुमको दिखता है वो करते हैं। बाहर का भीतर कोई मैच खेलो आप, कोई बात नहीं मैच खेलो, वो भगवान नहीं होते। कुछ चीजें कई बार नहीं दिखती, कोई मैच खेलो तुम भाई, खेलो मैच, कोई बात नहीं। इश्तिहार उमरा भाई खेलो भाई। नू में बात अंकित में खेल रहा है भाई। मसूद खान जमील खेल रहा है अभी करनाल में कैमरे के सामने। काजल का मैच होना है भाई। काजल सोनीपत में खेल रहा है, सोनीपत का मैच नू मेवात के साथ भाई। गौरव का मैच होएगा भाई, गौरव यमुनानगर में खेल रहा है भाई और यमुनानगर का मैच है रोहतक के साथ। स्कोर बताते हैं पता करके, अभी दिल स्कोर पता करना भाई। स्टेज पे लिख रहे सर 6-3 का स्कोर है भाई, 6 करनाल और 3 जींद। अंकित का क्वार्टर रहता भाई अभी। राम राम भाई अजय पेनीवाल बुट्टा खेड़ा। पानीपत है भाई, पानीपत सोनीपत कल हार गई थी। पानीपत कौन है मैच? संदीप दैया, सही कह रहे हो भाई आप। सेम से नेम है ना, कर मिस्टेक हो जाती है मेरे भाई। पानीपत का मैच होना है नू में बात के साथ। और
फेसबुक दिए फोन कर चला नेट थोड़ा होता यमुनानगर का मैच एक डेढ़ घंटे के बाद होएगा भाई। धन्यवाद भाई अजय बेनीवाल, बहुत बहुत आपका। हाँ भाई ये इस साइड है जवाब भाई का फेसबुक पेज है भाई, हरियाणा पंजाब शूटिंग वाला हां मैच का मतलब तो है भाई, फॉलो करो, बहुत बढ़िया लाइव चलाता है दोस्त। स्कोर क्या गया जी? 5-3 सर्विस कंटिन्यू। आ जा पहले उन्होंने आ जा आ जा 5-3 का स्कोर है। पिछड़ना भी अच्छा उन्होंने विक्की सोनी पत्नी है भी अजय करनाल। इस मैच के फौरन बाद अगली दोनों टीमें तैयार रहे, पानीपत वर्सेस नूह। वोडाफोन मनेट नहीं आ रहे वो तो गया खत्म लाइव कर रहा है तेरे डल वाली को या 1.5 GB का मेरे लेगा मेरे सिम नहीं पड़ेगी मेरे लिए सिम पाना फिर मेरे डल वाली पहले का जींद में गोविंद है भाई सरना खेड़ी वाला सेंटर में खेल रहा लड़का बढ़िया बॉल है भाई राजेश की। राम राम भाई टोनी दीमान। छोटू नहीं आया भाई यहाँ पे, रवि बहादुरगढ़ नहीं आया भाई, बिल्कुल भाई सही बात है जी। भाई नया भी देखते हैं सेमीफाइनल फाइनल में विजेता टीम को किस चीज के साथ सम्मानित किया जाता है। छोटू नहीं आया अभी यहाँ पे धन्यवाद धन्यवाद भाई अजय, कोई बात नहीं भाई बहुत बढ़िया लाइव चलाने लग गया, आप थोड़ा और ध्यान दो।
यमुनानगर का मैच होएगा भाई रोहतक के साथ, थर्ड क्वार्टर है भाई, वो लास्ट क्वार्टर है फोर्थ। बढ़िया बॉल है भाई राजेश, नौ पांच का स्कोर हो चुका भाई, नौ करनाल और पांच जींद। धन्यवाद भाई रमेश, छह नौ भाई, छह जींद और नौ करनाल। शांति से नहीं उतरे भाई यमुनानगर में, गौरव फतेहपुर, विपिन नवाजपुर, राकीब कैतमंडी और पिंटू सुडल सडैल और दिल्ला दौलतपुर भाई। भाई 10 से सर्विस ओवर, 21 पॉइंट हो गए मैं और बेस्ट ऑफ 3 है भाई। ओपन नहीं है टूर्नामेंट भाई, डिस्ट्रिक्ट के प्लेयर ही खेल सकते हैं, एक टीम में से करनाल की टीम है तो करनाल के प्लेयर खेलेगा भाई। गालियां नहीं देख रहा है, ध्यान रखेगा थोड़ा, अब शब्द का प्रयोग नहीं करेगा। दिल्ली की टीम का 12-6 लास्ट क्वार्टर है भाई, थर्ड बॉल खड़े खड़े ही मार सकते हैं भाई, जंप लेके नहीं मार सकते गौरव शर्मा, इसको कहते हैं ड्रॉपिंग। राम राम भाई पुष्पेंद्र राणा, थर्ड में भाई मोनू खेड़ी मान सिंह और बड़ा काला खुकनी बड़ा और अमन, अगली दोनों टीमें भी तैयार रही। पानीपत वर्सेस न्यू और रोहतक वर्सेस यमुनानगर, yeah।
शेयर कर दे रहे हैं सभी भाई साथ के साथ भाई, धन्यवाद भाई अभिषेक मडान, बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी हैं भाई फूकनी से भाई ऑस्ट्रेलिया गए हैं, धन्यवाद भाई गौरव, ओके भाई रमेश, फाइनल नहीं है भाई समीर, अभी क्वार्टर चला हुआ है दूसरा, रोहतक और यमुनानगर का मैच सबसे लास्ट क्वार्टर है भाई, इसके बाद जो मैच होएगा वो सोनीपत और नूह के बीच होएगा भाई, पानीपत और नूह के बीच भाई, सोनीपत तो कल हार गई, बढ़िया भाई राहुल जाहिद सिकंदरपुर, यूनाइट में चला है गवर्नमेंट की तरफ से करवाया गया टूर्नामेंट भाई, बोतल में चल जाएगा हमें, स्कोर भी दिए स्कोर बतावेंगे, पॉइंट बताएंगे पता करके भाई, राजेश की जो टीम है करनाल की भाई, उसमें सभी प्लेयर करनाल के टोटल ही प्लेयर करनाल के हैं, कोई प्लेयर बाहर का नहीं है भाई, 17 करनाल 6 जींद का स्कोर है भाई, 17 करनाल और 6 जींद, चलो हमने तीसरे अंपायर की व्यवस्था कर दी, प्रदीप जी अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी तीसरे अंपायर की भूमिका निभाएंगे,
शास्त्री नहीं आया यहाँ पे। काला तुम से सेंटर में खेल रहा भाई कैमरे के सामने बिल्कुल करनाल की टीम में। बैग में पहले ना गरम तो ही है पानी यमुनानगर का मैच अभी नहीं है, एक घंटे बाद होगा। गेम पॉइंट अभी करनाल की टीम का। भाई 1 तारीख से ही नाम मांगे गए थे डिस्ट्रिक्ट वाइज, जो भी अफसर बनते हैं ये बिजली विभाग में SDO GI इनको लिस्ट देनी थी। नू का मैच होना है पानीपत के साथ भाई, इससे अगला ही मैच होएगा। बढ़िया भाई आसू पंजीठ के राणा बढ़िया नटमैन लड़का, अच्छा खेलता है भाई। प्राइज लेस है टूर्नामेंट भी, ये सम्मानित होएगा जो भी टीम सेमीफाइनल फाइनल को। और ये पहला राउंड में भाई करनाल के पक्ष में गया, करनाल की टीम विन रही है भाई। एक ये स्टेज के सामने से प्रार्थना है जी, स्कोरर के साथ जो बैठे आप तीर उठा के चले जाएं। चार भाई प्रदीप शर्मा स्टेज के सामने, राम राम भाई सचिन चौधरी सिर्फ यहां स्कोरर रहेगा। अंकल जी कुर्सी आप साइड कर लो थोड़ी, उधर कर लो। यमुनानगर का मैच होना है रोहतक के साथ भाई, सचिन चौधरी। इस मैच के फौरन बाद अगली दोनों टीमें तैयार रहे। वेलकम भाई तालिब खुजनावर। यमुनानगर का मैच अजीत भाई 1 घंटे बाद होएगा। बढ़िया भाई पुनीत भाई बढ़िया, आप सुनाओ। ये मैच चल रहा है अभी करनाल और जींद के बीच, बेस्ट ऑफ 3 में से सेकंड मैच चलेगा, फर्स्ट में करनाल की टीम विन है भाई। फाइनल और सेमीफाइनल 20 तारीख को होंगे भाई, 20 अगस्त। यूपी शास्त्री राम राम भाई राशिद रसूल पर इनको नहीं होती। बीस तारीख होंगे सेमीफाइनल और फाइनल मैच भी। और एक अपना प्रदीप जी है,
इनको नू का मैच इससे नहीं होगा भाई। ताहिर उमरा ये क्वार्टर है भाई, सेकंड क्वार्टर जो भी टीम इन्हें जीतते वो सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाएगी भाई। चलो चलो शाबाश, कोशिश करो। टीम बस और तू खेल रहे नहीं। बढ़िया भाई सोनू राणा बहुत बढ़िया बॉल है भाई, राजेश खेड़ी मान सिंह। राम राम भाई सिखी सरपंच खान पर। बॉल है भाई राजेश की, राशिद नहीं आया भाई सागर। यमुना नगर का मैच रोहतक के साथ होना है भाई, एक घंटे बाद होएगा। गुरुग्राम का मैच हो लिया भाई शायद मॉर्निंग में, बाकी पता करके बताएंगे गुरुग्राम के बारे में। बाल है भाई जमील, धन्यवाद भाई प्रिंस पीसू का लड़का भाई, तुम सी टीम में अच्छा नट खेलता, ऑस्ट्रेलिया गए हो भाई। कैमरे साइड की टीम है भाई करमजीत दीवान जींद की। करमजीत तुम सी ब्याह भाई लाइव का। रवि नहीं आया भाई यहाँ पे मेहताब। क्या स्कोर हो गया भाई जी, स्कोर पूछ। स्कोर बोल दिया जी, 4-1 4-1 करनाल की। दो चार सर्विस ओवर 32 अपाड़ो हैं सारी अपाड़ी। वेलकम भाई नियाज अहमद। फाइनल के लिए देखते हैं भाई क्या रहेगा, फाइनल में क्या सम्मान मिलता है टीमों को।
बढ़िया भाई राजेश। पांच तो सर्विस ओवर। तीन पांच सर्विस ओवर। धन्यवाद भाई मोहदनस। थर्ड बॉल ड्रॉप है भाई। ये जींद और करनाल के बीच है भाई सिक्खी। 6-3 सर्विस ओवर। राजेश में सेंटर में काला तुम सी है भाई वो इस अभी मैच इन्हें एक क्वार्टर के भाई तो बता देंगे जैसे ही लास्ट क्वार्टर होएगा तो बता देंगे सेमी किस किस के बीच होने हैं भाई। पारस दुआन रेफरी का तो पता गौरव भाई शेयर करते गौरव भाई जो भी 5-6 ग्रुप हैं फेसबुक पे शेयर करते मेरे भाई। अंकित का गेम होना है भाई पानीपत के साथ। पानीपत के मैच के फौरन बाद रोहतक यमुनानगर की टीम ध्यान दे। बढ़िया बॉल है भाई राजेश की। छोटू माजरा नहीं आया भाई यहाँ पे। चांद की कुर्सी एड़े देने वाला लग गया सरके की तो नहीं खटाओ करिए हम खटाओ इमेज टाइम ये पेट में ब्रेन नो नहीं होकर देता है। अगला मैच होएगा शायद भाई यमुनानगर का। रेफरी बताता हूँ पता करके भाई गौरव। 8-5 जान पहचान वाला ही रेफरी है भाई गौरव। रेफरी का क्या नाम है रेफरी का? कल कल्पना की तीसरी भी मिलेगी जी सदन में लेनी हो। जयपाल है भाई रेफरी का नाम गौरव। बढ़िया बॉल भाई राजेश की। बगैर
बेगम पर गांव है भाई रेफरी का। ये जींद और करनाल के बीच चला हुआ है मैच भाई। पॉइंट बताते हैं पता करके, बढ़िया बाल है भाई राजेश। स्कोर पता करियो भाई साहब। बताते हैं स्कोर भाई। नेट पे अमन ही है भाई करनाल के, जो नेट के परली तरफ टीम खेल रही। 10-5 और ये जींद के पक्ष में पॉइंट जाता हुआ 7-10 का स्कोर है अभी। 7 जींद और 10 करनाल। नू मेवात का मैच होना है भाई, उनका मैच होना है पानीपत के साथ। तीन बॉल है भाई। भाई तो शमाइक ने ठीक की तो बुखार हो जाए मेरे तो मुंह कसाई गया। ਸਮੇਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ ਮਾਰਾ ਕਹਿਣੀ ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨੀ ਗੱਲਾਂ ਪੜ ਲੈਂਦੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਕੰਨੇ ਉੱਪਰ ਆਦੇ ਆ ਗਿਆ ਉੱਪਰ ਆਦੇ ਆ ਗਿਆ ਅਰੀ ਤੇਰੇ ਗੱਲ ਮਸਾ ਗਿਆ। गुरुग्राम की टीम तो सेमी में जा रही है ना। गुरुग्राम की टीम तो हार ली, फिर की दादरी जीती उसने। गुरुग्राम की टीम चरखी दादरी से हार गई है भाई। टूर्नामेंट का कोई अपडेट नहीं है भाई। उवेश
कमेटी से एक दो दिन में बात करेंगे, बताएंगे फिर। दस बार हो गया ना भाई, 10-12 का स्कोर हो गया ना, 10-12 का स्कोर है भाई, 10 जींद और 12 करना। आप जान चले गए अपनी टीम को टिप्स देने के लिए। आदमी कितने का जब गड्ढा खड़ा, मतलब हर गांव में किसी की भी जरूरत ज्यादा है, सब तो पल्ला तैयार हो जाए। श्री जनरल सेक्रेटरी हरियाणा पावर स्पोर्ट्स ग्रुप पधारे हैं, मैं उनका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। ना जी सिद्धांत का क्रम में अच्छा है, चुटकुला पूरा हो गया नहीं, छोटे माइक खराब हुई थी फाइनल होगा 20 तारीख को भी। स्कोर 12-10। राम राम भाई नीरज करनाल पार्टनर लाइव मास्टर। दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला और उसका दूसरा हाफ इस मैच के फौरन बाद अगले दोनों टीमें जा रहे। और बड़ा हर्ष का विषय है हमारे बीच में हमारे चारों कंपनियों के जनरल सेक्रेटरी आदरणीय जसवीर कुहार जी पहुंचे हैं, जिनके मार्गदर्शन में हरियाणा पावर स्पोर्ट्स ग्रुप उन्नति की ओर अग्रसर है। और मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि वर्तमान में ही अंतरराष्ट्रीय स्तर का पैगोवार का कैंप भी यहाँ चल रहा है, फाइनल 20 तारीख को है, श्री आदरणीय जसवीर जी को जाता है। राम राम भाई गौतम 38। तेरह 10 का स्कोर है भाई, 13 करनाल और 10 जींद। यमुनानगर मैच, यमुनानगर का मैच रोहतक के साथ होएगा भाई।
रविंदर भाई गुंडू का मैच यमुनानगर के साथ है भाई। चौदह ग्यारह का स्कोर है भाई, चौदह करनाल और ग्यारह जींद। पंद्रह ग्यारह देखते हैं इससे अगला मैच होएगा शायद भाई। सुबीर नू का मैच होना है भाई पानीपत के साथ। बढ़िया बॉल है भाई राजेश। जंप नहीं अलाउड है भाई सुमित, मंचल नहीं आया था भाई यहाँ पे निशांत। सोलह बारह का स्कोर है भाई अमित, सोलह करनाल और बारह जींद। जींद में बिक्का नहीं आया भाई अलेवा वाला सन्नी चहल। प्रदीप जी सेमीफाइनल में एक चरखी दादरी की टीम गई है केवल भाई। बारह सोलह भाई है ना। जो चाय मिल गई है भाई सारा सिस्टम सही हो गया, बगैर चाय के भी तड़प गया हूँ। 21 पॉइंट का मैच है भाई अमित, शेयर कर दे अमित भाई। ना इसमें तो तगड़ा ही रहना गौरव। क्या स्कोर है
अंकित का मैच होना है भाई पानीपत के साथ। दिल्ली का मैच भाई नू मेवात के साथ है, नरोत्तक के साथ। रोहतक का यमुनानगर का संजय जी थर्ड अंपायर की भूमिका में कौन सा कुर्सी आप टूर्नामेंट अभी है संजय स्कूल के अंदर भाई 19-12 छोरे भाई सॉरी गलती हुई, हाँ बताओ जी, हाँ जी 13-18 हाँ 13-18 ये हमारे स्कोर हैं जी पुराने, हाँ इसलिए आ गए नी आज, इसलिए डिस्टर्बेंस होगी, कोई नहीं माफी चाहेंगे। 13-18 यमुनानगर में पिंटू है भाई स्कोरर और गौरव है फतेहपुर वाला। बढ़िया बॉल घेरिया भाई राजेश ने, 19-13 का स्कोर है भाई, 19 करनाल और 13 जींद। गेम पॉइंट है भाई करनाल की टीम का, गेम पॉइंट अगली दोनों टीमें तैयार रहे पानीपत और सिंधू, दोनों टीमें तैयार रहे। पानीपत और सिंधू नेक्स्ट मैच है अंकित पत्रेड़ी नू वर्सेस पानीपत भाई 14-20 15-20 ये राउंड है भाई क्वार्टर है, ये क्वार्टर मैच चला सेकंड क्वार्टर है भाई इस टूर्नामेंट का। पहले में चरखी दादरी जीत गया गुड़गांव से, चरखी दादरी की टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है भाई राहुल, और सेकंड आपके सामने चला हुआ है करनाल और जींद के बीच। थर्ड जो होना है भाई वो होना है नू मेवात वर्सेस
16-20 पानीपत, नू मेवात वर्सेस पानीपत के बीच होना है थर्ड, और चौथा होना है भाई यमुनानगर वर्सेस रोहतक के बीच। हाँ क्वार्टर फाइनल है भाई, दोनों टीमों के दो मैच शुरू हो रहे। करनाल की टीम पहुंच चुकी है भाई सेमीफाइनल में, दो टीमें पहुंच चुकी है सेमीफाइनल, चलती दादरी और करनाल भाई। जैसे ही अगला मैच शुरू होगा तो आपके साथ लाइव जुड़ेंगे भाई, सभी भाइयों को लाइव पर बने रहने के लिए धन्यवाद।